हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हम बात कर रहे हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की, और इस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ठीक करने वाले ड्रग के बारे में देखने जब हमने स्टार्ट किया है तो उसके अंदर कई सारे ड्रग के बारे में देखे। आज जिस ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का ये ड्रग है क्विनोलोन्स या फ्लोरोक्विनोलोन्स। अगर आप इसे केडी थ्री पार्टी में देखेंगे तो आपको हेडिंग क्विनोलोन्स के नाम से मिलेगी। अगर आप सतोष कर पी जगदीश प्रसाद की बुक में देखेंगे तो आपको फ्लोरोक्विनोलोन्स के नाम से मिलेगा, लेकिन दोनों में बात एक ही को एक्सप्लेन किया गया है। ये जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है इसके बारे में दो चीज हमको बहुत अच्छे से याद होगी, अगर हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया है वो आपको याद होगा। तो पहला कि ये जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है इसके कॉज का पता लगाना बहुत जरूरी है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा, उसको पता लगाने के लिए जब हम यूरिन सैंपल करते हैं और उस यूरिन सैंपल के बाद जब हमें एग्जैक्टली पता होता है कि किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है तो उसके लिए कौन सा इफेक्टिव ड्रग सेलेक्ट करें, ये दोनों मायने रखता है। लेकिन एक्यूट के केस में अगर हम बात करते हैं तो आपको रिजल्ट आने से पहले ही उसकी प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है तो एकदम सेलेक्टिव ड्रग के बारे में सेलेक्ट करना या उसको यूज करना स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो लगभग अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं। आज हम जिस ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं क्विनोलोन्स या फ्लोरोक्विनोलोन्स, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इफेक्टिव ड्रग है, इसीलिए इसका जो यूज है वो रिजर्व होना चाहिए या रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए स्पेसिफिक कंडीशंस पे। तो चलिए बात करते हैं इसे क्विनोलोन्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में, कुछ बेसिक जानकारियां उनके काम करने के तरीके का। ये जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है या ये जो क्विनोलोन्स है इनके काम करने का तरीका कहता है कि दे इनहिबिट द एंजाइम। कौन सा एंजाइम? बैक्टीरियल डीएनए गायरेज एंजाइम, कई बार इसे हम जायरेज भी कहते हैं। सो बैक्टीरियल डीएनए गायरेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि आप नाम से देख के समझ सकते हैं एज लगा हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज एंजाइम, जो कि बैक्टीरिया की पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को ठीक करके नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में बदलने का काम करती है। ये बैक्टीरिया के लिए सही है, ये बैक्टीरिया के लिए अच्छा है ताकि वो अपना मल्टीप्लीकेशन कर सके। लेकिन जो चीज बैक्टीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है उसके लिए अच्छा है, वो हमारे लिए सही नहीं है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्योंकि यही बैक्टीरिया के अच्छे चीजें जाके बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने मदद करेगी। सो एक ऐसा एंजाइम जो कि बैक्टीरिया में पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को हटा करके नेगेटिव सुपर कॉइलिंग बना रहा है, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग एंड नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, तो आपको इसी वीडियो में सेकंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो जब हम हमारे ये जो डीएनए गायरेज को इनहिबिट करने वाले ड्रग के रूप में क्विनोलोन्स या फ्लोरोक्विनोलोन्स को लेते हैं तो ये आपकी नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को होने नहीं देता, ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को मेंटेन ही रखता है, जिससे बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन अफेक्ट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट एक्टिविटी की कि किस तरह के बैक्टीरिया में ये अपना अच्छा इफेक्ट शो करता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो दिस इज प्राइमरीली एक्टिव इन ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपने पहला पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन देखा है उसमें मैंने आपको बताया कि लगभग 95% किसी बुक में 90% कोट किया गया है। सो 90-95% जो चांसेस हैं यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन के, इसके अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इसके अंदर अगर हम और जाके बात करें तो ई कोली एक काफी ज्यादा 85% के आसपास रखता है फीमेल में। इसके अलावा और भी कुछ है, प्रोटीएस है, स्ट्रेप्टोकोकी है, स्टेफाइलोकोकी है, स्यूडोमोनास वगैरह है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव या तो ग्राम नेगेटिव के लिए, तो मैक्सिमम बैक्टीरिया जो कि ग्राम नेगेटिव होंगे वो रिस्पॉन्सिबल है इसी तरह के यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन के लिए। अब इसी पॉइंट को आप इससे जोड़ दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव टाइप के यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये जो ड्रग आपका क्विनोलोन्स फ्लोरोक्विनोलोन्स है ये प्राइमरीली एक्टिव होते हैं ग्राम नेगेटिव के लिए, तो डेफिनेटली इनकी जो स्पेसिफिसिटी होगी, इनकी जो सक्सेप्टेबिलिटी होगी ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया के लिए वो काफी अच्छी होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी हो गई। इसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल के बारे में बात करते हैं तो इसके दो तरीके से हमने यहां पे लिया हुआ है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंबाइंड रूप से क्विनोलोन्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स के, दोनों के एग्जांपल देख लें। क्विनोलोन्स का एग्जांपल है नैलिडेक्सिक एसिड, जिसके बारे में बहुत कम इंपॉर्टेंट तरीके से यूटीआई में यूटिलाइजेशन है इसलिए इसको ज्यादा यूज नहीं करते। लेकिन जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है इसके भी अंदर दो सब कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू जनरेशन। सो फ्लोरोक्विनोलोन का एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट जनरेशन का जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखिए सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन,
पेफ्लोफ्लोक्सासिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको बहुत शॉर्ट में ये बता दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। जो चीजें पहले इन्वेंट हुई होंगी, जो पहली बार एग्जिस्टेंट हुए होंगे एज ए कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, वो फर्स्ट जनरेशन है। इनके कुछ अच्छी बातों को और आगे और अच्छा करते हुए मूव करा के ले जाना, इनकी कमियों को, इनके लिमिटेशन को ठीक करके बेटर करना, इसके जो प्रोसेस होता है मॉडिफिकेशन का, अच्छा बनाने का, एनहांसमेंट का, ये जब आगे बन जाएगा तो वो सेकंड जनरेशन कहलाएगा। और वापस सेकंड जनरेशन में अगर कुछ लिमिटेशन रह गई है तो इसको और ठीक करके और अच्छी इंप्रूवमेंट करके नेक्स्ट जो आएगा वो रेस्पेक्टिवली थर्ड जनरेशन एंड सो ऑन ये कहलाया जाएगा। ये जो यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन है, इसको ठीक करने के लिए जो हमारे फ्लोरोक्विनोन ड्रग है, इनमें फर्स्ट जनरेशन के दो ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, ये है सिप्रोफ्लोक्सासिन और ओफ्लोक्सासिन। ये काफी ज्यादा मात्रा में स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट रूप से यूज होंगे यूटीआई के इंफेक्शन को कंट्रोल करने में। लगे हाथ अगर हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स का, तो सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोल के अंदर के एग्जांपल है लेवोफ्लोक्सासिन, उसके बाद देखिए मोक्सीफ्लोक्सासिन, गेमीफ्लोक्सासिन, प्रोलीफ्लोक्सासिन, लोमेफ्लोक्सासिन, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज्यादातर अगर हम बात करें तो ये आपका सिप्रोफ्लोक्सासिन और आपका ओफ्लोक्सासिन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है फर्स्ट जनरेशन सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड ओफ्लोक्सासिन आर हाईली इफेक्टिव एंड करंटली द मोस्ट पॉपुलर ड्रग। आज के डेट में हाईली इफेक्टिव होने के साथ साथ मोस्ट पॉपुलर ड्रग के अंदर भी ये अपनी जगह सिक्योर करते हैं अगर हम इस यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन की प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर पोटेंट। अगर हम कारण जाना चाहेंगे तो ये पोटेंट है, काफी अच्छा इफेक्ट शो करते हैं, साथ ही साथ ये इनका जो कॉस्ट है वो भी कम होता है। पोटेंट तो है लेकिन किस तरह के बैक्टीरिया के लिए, ऑब्वियसली दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ बैसिली और कॉस्ट भी कम है, इसलिए दोनों चीजें इनके फेवर में जा रही है। अगर हम बात करते हैं टू प्रिजर्व देयर एफिकेसी, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था इनके प्रिजर्व करने के लिए एफिकेसी को हमको इनके लिमिट करना चाहिए इनके यूज को, क्योंकि अगर हम ब्लाइंडली हर जगह किसी भी तरह के इंफेक्शन को ठीक करने के लिए इस क्विनोलोन फ्लोरोक्विनोन ड्रग के अंदर एग्जांपल को सिप्रोफ्लोक्सासिन को ओफ्लोक्सासिन को यूज करते हैं तो धीरे धीरे इनके ऊपर भी रेजिस्टेंस डेवलप होने की संभावना होती है, इसीलिए इनके यूज को रेस्ट्रिक्ट किया गया है स्पेसिफिक ऑन डिमांड के केस के लिए। अगर हम बात करते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स आर पर्टिकुलरली वैल्यूएबल इन कॉम्प्लिकेटेड केसेस, जब केसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जब आपका यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन सिम्टम्स शो करने लगते हैं, यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है या धीरे धीरे ये अपर यूटीआई की ओर बढ़ने की संभावना रखते हैं तो इनको यहां पे यूज करना आवश्यक हो जाता है। दोज विथ प्रोस्टेटिस, ऐसे पर्टिकुलर व्यक्ति को जिनके प्रोस्टेट में इंफ्लामेशन हो रहा है, टाइटिस वर्ड आपसे इंडिकेट कर रहा है देयर इज सम इंफ्लामेशन ऑफ द रिलेटिव पार्ट दैट इज प्रोस्टेट, तो उसके लिए या कोई ऐसे व्यक्ति जो इनवेडिंग कर रहे होंगे, इनडवेलिंग कर रहे होंगे कैथेटर्स को, जिनके बॉडी में कैथेटर को यूज किया गया है यूरिन के ब्लैडर से यूरिन को पास करने में मदद करने के लिए, ऐसे ही व्यक्ति में यूज किया जाता है। और ऐसे भी केस में यूज करते हैं जो केस बैक्टीरिया के रेजिस्टेंस हो चुका है कोट्रामोक्साजोल के लिए। पिछले पार्ट में हमने कोट्रामोक्साजोल के बारे में बात किया था, मैंने आपको एक स्पेसिफिक वीडियो भी टेबल के साथ बताया हुआ था कि कैसे इसको हम यूज करते हैं ऐसे केस में जहां पे आपका एविडेंस ज्यादा ना हो लेकिन ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस आपको इसको याद करने में, इसको यूज करने में मदद करता है। सो इन तीन चीजों में हमको यूज करना है, दोबारा रिवाइज कर देता हूं। ऐसे व्यक्ति में जिनमें सीवियर कंडीशंस हो, जिसमें प्रोस्टेटिस की प्रॉब्लम हो, जो इंडवेलिंग कैथेटर को यूज कर रहे होंगे, या ऐसे व्यक्ति में जो रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके होंगे आपके इसी कोट्रामोक्साजोल या तो फिर एम्पिसिलिन के लिए, तो ये इनका एक खास बात हुआ। इसके बाद देखिए नॉरफ्लोक्सासिन एक और कैटेगरी का ड्रग है, यहीं पर आप देख सकते हैं जो नॉरफ्लोक्सासिन है। सो नॉरफ्लोक्सासिन गिवन अप टू 12 वीक्स, कौन से ड्रग को 12 हफ्ते तक देना है, नॉरफ्लोक्सासिन को, यहां भी आप देख सकते हैं एग्जांपल में। सो नॉरफ्लोक्सासिन जब हम 12 वीक तक देंगे मे अचीव क्योर इन क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन। सो हमने यहां टेबल में एक बार और भी बताई थी आपको कि जो अपर यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन है वो थोड़े सीवियर फॉर्म में होते हैं, उनके होने की संभावना थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू लोअर यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन, और जो अपर यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन का ड्यूरेशन है ड्रग ट्रीटमेंट का, ड्रग का रेजिमेन का, वो भी थोड़ा लंबा होता है, चाहे तो पिछले पार्ट में टेबल के बारे में आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए द फ्लोरोक्विनोन शुड नॉट बी गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमन बिकॉज इट मे मूव थ्रू द प्लेसेंटा एंड मे कॉज टेराटोजेनिक एफिकेसी। जब कभी भी जिस भी ट्राइमेस्टर में कोई वुमन प्रेगनेंसी के केस में इस तरह के ड्रग लेती हैं तो उस ट्राइमेस्टर में उस सिचुएशन में जो ऑर्गन डेवलप हो रहे होंगे, जो ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होगी, उसको आपका ये फ्लोरोक्विनोन क्विनोलोन्स अफेक्ट कर सकते हैं। सो ये हो गई कुछ बेसिक बातें।
चलिए अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल को डेमो वीडियो की मदद से। ये देखेंगे कि फ्लोरोफिलोरेस काम कैसे करता है, व्हाट इज डीएनए जायरेस एक्टिविटी, व्हाट इज पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग एंड व्हाट इज नेगेटिव सुपरकॉइलिंग। मैं डेमो यूज करने वाला हूं तो दूसरा पार्ट जरूर देखें। ऑलरेडी ये पार्ट मैंने कीमोथेरेपी ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग के अंदर यूज किया ही हुआ है, सो अगर आपने देखा है तो आपके लिए रिवाइज हो जाएगा। अगर आप नहीं देखा हुआ है तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा ये इसका पूरा पार्ट इसी वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें, आपकी काफी मदद करेगी। मैं आपको एडवांस में बता दूं आज का जो रेफरेंस है वो केडे त्रिपाठी, पी जगदीश प्रसाद और पद्मजा उदय कुमार को मिलाकर के लिया गया है। पूरा पार्ट जरूर देखें और पूरा पार्ट देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर के आज के टॉपिक के लिए जो फ्री में ऑनलाइन का पीडीएफ ऑनलाइन टेस्ट का जो लिंक है वो भी आप देख सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड करने का लिंक है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए अगला हिस्सा इसी वीडियो के अंदर। क्या कभी आपने इस तरह से हेडफोन को उलझे हुए कंडीशन से सुलझा करके नॉर्मली यूज किया है? क्या आपका हेडफोन कुछ इस तरीके से कुछ ज्यादा ही ऐसा उलझ तो नहीं गया जिसकी वजह से इसको ठीक करने में आपका माथा पच्ची करना पड़ जाए? और अगर ये हो गया तब तो बहुत अच्छी बात, सुकून मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप लाख कोशिश कर लें तो भी ये बिल्कुल पहले के जैसा होता नहीं। और अगर ऐसा होगा नहीं तो आपको क्या फील होगा, ये आपसे अच्छा कौन समझ सकता है? और सबसे मजेदार बात क्या है कि अब अगर ये हेडफोन इस तरह से ट्विस्ट और टर्न्स के लेके के मुड़ गया हो, उलझ गया हो, इसको सुलझाने में जब आप अच्छे से सक्सेसफुल ना हो पा रहे हो, आपकी मदद करने के लिए कोई थर्ड पर्सन आता है, वो बड़ी आसानी से जिसका नेचुरल आदत है कि इनको सुलझा करके तुरंत ठीक कर दे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व किसने किया, उस थर्ड पर्सन ने। लेकिन अगर मैं फिर से आकर के उस थर्ड पर्सन को आपसे दूर ले जाऊं तो आपकी प्रॉब्लम अगेन अगर ऐसा होता है तो फिर वही की वही बनी रहेगी। आज हम बात करने वाले हैं आपका एंटीबायोटिक का एक और क्लासिफिकेशन जिसके अंदर आप देख रहे हैं, तो हम बात करेंगे क्विनोलोन्स के बारे में। ये जो क्विनोलोन्स का टॉपिक है इसमें दो चीजें अलग होंगी। पहला, मैंने जैसे कल आपसे कहा था कि आपको मैं आपके घर के कचरों से कैसे यूज करें, कैसे हम फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें वो बताऊंगा। पहला चीज तो ये है कि आपका यूजफुल हेडफोन जिसकी वजह से आपने देखा, ये आप करके भी देखिएगा या किसी और के साथ भी करके देखिएगा, आपके घर में कोई छोटे भाई बहन है तो उनको उनके हेडफोन को इस तरह से बहुत सारा अजीब तरीके से उलझा दीजिए और उनका सिचुएशन देखिए, उनका पैनिक मोमेंट देखिए अगर वो उलझा हुए कंडीशन को सुलझा नहीं पाते हैं तो। दूसरा, आज मैं आपसे यूज कराऊंगा आपके घर में प्रेजेंट चैन को, रनर को जो हम लोग यूज करते हैं, और एक छोटी सी रस्सी जो एक मुड़ी हुई हो, ऐठी हुई हो, इस रस्सी को यूज करते हुए आज हम समझेंगे कि आपका क्विनोलोन्स कैसे काम करेगा। इस वीडियो के दो पार्ट हैं, लंबा पार्ट बनेगा ये, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर आप समझना चाहते हैं तो दोनों व्हाइट बोर्ड सेक्शन को पूरे ध्यान से सुने। अगर आप समझना नहीं चाहते हैं, आप बोर होने से बचना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है इतना चीजों को समझने के लिए, तो वीडियो का अभी आप स्किप कर दें, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे क्विनोलोन्स के बारे में। क्विनोलोन्स क्या है? देखिए, क्विनोलोन्स आर द सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट, और इसी को हम बोल सकते हैं सिंथेटिक एंटीबायोटिक एजेंट विच इनहिबिट द डीएनए जायरेस एक्टिविटी। यानी कि ये एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो दो चीजों को आपको एक्सप्लेन कर रहा है। पहला, अगर हम इनके नेचर के वाइज बात करें, आपने क्लासिफिकेशन के अलग अलग तरीके देखे हैं, उनमें से एक तरीका यह भी तो था कि हम उसको ऑब्टेन कैसे करते हैं, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो दीज आर सिंथेटिक। और दूसरा, अगर मैं उनके काम करने के तरीके, उनके मैकेनिज्म के हिसाब से इसको क्लासिफाई करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि ये आपके यानी कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट बैक्टीरिया के डीएनए के सिंथेसिस को रोकेगा, रेप्लिकेशन को रोकेगा, ट्रांसक्रिप्शन को रोकेगा, उनके एक्सप्रेशन को रोकेगा। कैसे रोकेगा? वो आपके डीएनए जायरेस की एक्टिविटी को और टोको आइसोमोरेस 2 जिसको हम लोग बोल सकते हैं, साथ साथ टोको आइसोमोरेस 4 की एक्टिविटी को इनहिबिट करके बैक्टीरिया के डीएनए के सिंथेसिस को बिल्कुल भी अफेक्ट करेगा और इसकी वजह से वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये था उनके काम करने का एक लाइन में तरीका। दूसरा, अगर मैं बात करूं इनके इस क्लास के इंपॉर्टेंट एग्जांपल की, तो क्विनोलोन्स के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं वह आपका नेरिडिक्सिक एसिड है, दूसरा ऑक्सलिनिक एसिड है, और सिनोक्सालिन एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके इस कैटेगरी का। इस वीडियो में हम इस सेक्शन में हम बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, सेकंड जो सेक्शन होगा उसमें कंप्लीटली डायग्राम की मदद से देखेंगे इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो पहले मैं लेता हूं इसी नेरिडिक्सिक एसिड को एक इंपॉर्टेंट ड्रग के रूप में इस क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेरिडिक्सिक एसिड जो कि नेचर वाइज है बैक्टीरियोसिडल, अब यहां पे एक ट्विस्ट और आएगा। बैक्टीरियोसिडल के बारे में भी मैंने आपसे बात किया था कि इसके हिसाब से यानी कि बैक्टीरियोसिडल या तो बैक्टीरियोस्टेटिक के हिसाब से भी हम आपके एंटीबायोटिक को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो
ये आपका आपका जो क्विनोलोन्स है वो बैक्टीरियोसीडल है। बैक्टीरियोसीडल मतलब एक ऐसा एंटीबायोटिक जो कि आपके बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल कर दे, इन्हीं को हम बैक्टीरियोसीडल कहते हैं। और ये बेसिकली एप्लीकेबल होते हैं आपके ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया के लिए। ग्राम नेगेटिव क्या है इसके बारे में भी डिस्कस किया है। अगर डिटेल से जानना चाहते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये किन किन तरह के माइक्रोबिज्म या इनके द्वारा होने वाले इन्फेक्शन से आपको बचाएंगे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमने इनलिस्ट किया है। ये है आपका इकोली जिसको हम स्टीरिया कोली कहते हैं, दूसरा है शिगेला जिसके बारे में आपने काफी तक देखते आ रहे हैं, फिर है एंटेरोबैक्टीरिया और प्रोटोस्ट। ये जो ड्रग्स, ये जो आपके इंफेक्शन है या इनके द्वारा होने वाले जो अलग अलग तरह के इंफेक्शन है, इनमें काफी हद तक हमारे जो क्विनोलोन्स का डिग्री के ड्रग है, नेरिडिक्सिक एसिड है, ये यूजफुल होता है इनको कम करके मेंटेन करने में। आगे मैं बात करूं तो ये जो ड्रग है वो इनसफिशियंट होते हैं। वैसे इसके पहले एक चीज और भी लिखा हुआ है जिसको आपको जानना भी चाहिए, वो ये कि ये जो वेल एब्जॉर्ब होते हैं, अगर मैं इनके फार्माकोकाइनेटिक के पैरामीटर के हिसाब से बात करूं तो ये वेल एब्जॉर्ब होते हैं ओरल लूट से, लेकिन प्लाज्मा का इनका जो कंसंट्रेशन है वो उतना नहीं होता। प्लाज्मा में पहुंचे उस ड्रग का फ्री कंसंट्रेशन उतना नहीं होता कि वो आगे जाकर के आपको सिस्टमिक इफेक्ट शो करे। फ्री ड्रग कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, जब हम ड्रग लेते हैं आपके अलग अलग रूट से, यहां पर तो हम बात कर रहे हैं आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन के रूट की वजह से, तो ब्लड में जाने के बाद प्लाज्मा में कुछ ड्रग बाइंड हो जाएगा और कुछ फ्री रहेगा। तो जो ड्रग का कंसंट्रेशन फ्री फॉर्म में रहता है वो उतना नहीं होता कि वो आपको सिस्टमिक तरीके से उसका इफेक्ट शो करे। सो इसकी एक लिमिटेशन हो गई, लेकिन इसका एक लिमिटेशन तो है ये वाला जो आपको बताया मैंने, उसका एक एडवांटेज भी है। तो अटेंस हाई कंसंट्रेशन इन यूरिन, इसके बावजूद अगर मैं बात करूं तो इनका जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होता है यूरिन में। यूरिन में यानी कि ब्लैडर में इनका जो कंसंट्रेशन होगा इस ड्रग का वो एज कंपेयर टू अदर कंडीशन से ज्यादा है। तो इसका यूज हम कहां करेंगे, जब भी कंसंट्रेशन यूरिन में ज्यादा होगा तो डेफिनेटली हम इसको यूटीआई के केस में, काफी हद तक जो अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं उन तरह के यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं इनके कुछ पॉसिबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन की या इनसे हो सकने वाले अनवांटेड इफेक्ट की, तो मोस्टली ये अनकॉमन है, ज्यादातर इस तरह के साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर कुछ मिले तो वो क्या क्या होंगे। पहला होगा आपका हीमोलाइटिक एनीमिया, यानी कि आपके जो हीमोग्लोबिन है वो लाइसिस होने लगेंगे और उसके हीमोग्लोबिन के लाइसिस होने की वजह से ये जनरेट करेगा एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी, और इस इज सिंपली नोन एज अ हीमोलाइटिक एनीमिया। दूसरा एलर्जिक रिस्पॉन्स भी या एलर्जिक रिएक्शन भी काज कर सकते हैं जो ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा डेंजरस होंगे। उसके अंदर सिंपल सिंपल आपके स्किन रैशेस, थोड़े बहुत अर्टिकारिया और फीवर भी आ सकता है जो कि कॉमन नहीं है। इसके साथ साथ हेडेक होगा, अगर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई चीजों को बात करें ध्यान से देखें तो हेडेक कॉज कर सकता है, ड्राउसीनेस कॉज कर सकता है, थोड़ा थकावट फील कर सकते हैं, विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है यानी कि आपको साफ और अच्छे से देखने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फेस करना पड़ सकता है, ये इनसे एसोसिएटेड है। दूसरा अगर मैं इनके यूज के बारे में बात करता हूं तो आपके जो क्विनोलोन्स का डिग्री के ड्रग हैं इनको आप यूज कर सकते हैं, सबसे पहले यूटीआई के केस में, यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन के केस में यूज कर सकते हैं। वो भी किस तरह का यूटीआई, वैसे भी अगर आप देखेंगे तो यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है, लेकिन अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन के केस में कुछ हद तक ऐसे भी यूटीआई के केस देखने को मिलते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और उनमें काफी सारे ड्रग रेजिस्टेंस होते हैं जो उनमें काम नहीं करते। सो अनकॉम्प्लिकेटेड जो फेज होगा उसमें इस तरह के या हमारे जो ड्रग हैं क्विनोलोन्स का डिग्री के ड्रग वो यूजफुल होते हैं। ये जो यूटीआई कॉज होगा उनके पीछे कुछ हद तक माइक्रोऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, ये माइक्रोऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं आपका इकोलाई, शिघेला और आपका प्रोटोस्ट। ये जो ड्रग के ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस तरह के अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के लिए और इन्हीं को ठीक करने में यूज होता है हमारा क्विनोलोन्स का डिग्री का ड्रग। दूसरा देखेंगे तो आपका ये कॉज करता है डायरिया के प्रॉब्लम से रिलीफ प्रोवाइड कराने में, यानी कि अगर डायरिया हुए होंगे किसी किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए, यहां भी सेम माइक्रोऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, इकोलाई, शिघेला और प्रोटोस्ट, इनके द्वारा अगर डायरिया हुआ है तो इसको भी कम करने में मदद करता है। तो ये इनके यूज हो गए हमारे के। इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग और एक थोड़ा सा लंबा है, इसको हम देखेंगे इसी वीडियो में थोड़ी ही देर बाद इस व्हाइट बोर्ड सेक्शन को पलटने के साथ। ये जो काम करते हैं वो दो तरीके से काम करते हैं, पहला जो इनके काम करने का तरीका है वो देखिए इनहिबिटिंग ऑफ डीएनए जायरेज, डीएनए जायरेज को इनहिबिट करके या इसे को हम बोल सकते हैं टोपो आइसोमरेज 2 को इनहिबिट करके ये अपना एक्शन देंगे। दूसरा जो तरीका है इनका वो ये कहता है टोपो आइसोमरेज 4 को इनहिबिट करके या अपना इनको कम करके अपना इफेक्ट शो करेंगे।
तो दो तरीके हुए, आपके डीएनए जाइरेस और टोपोआइसोमेरेज 4 इनको अफेक्ट करेंगे तो क्या अल्टीमेटली अफेक्ट होगा, इन दोनों के अफेक्ट करने की वजह से, इन दोनों को इनहिबिट करने की वजह से हमारा जो फाइनल अफेक्ट होगा या रिजल्ट देखने को मिलेगा, दे विल अफेक्ट द बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस बाय दिट्स रेप्लिकेशन, उसके साथ ट्रांसक्रिप्शन, रिपेयर और रिकॉम्बिनेशन को अफेक्ट करेंगे। ये चीजें आप जानते हैं। सबसे पहला है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए के बनने के, एक कॉपिंग होने के, एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनने के प्रोसेस को कम करेंगे, अफेक्ट करेंगे। साथ ही साथ ये ट्रांसक्रिप्शन को, ट्रांसक्रिप्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इसमें आपके जो डीएनए के कोड होते हैं वह एक स्पेसिफिक सिक्वेंस में अरेंज होकर के एक मैसेज को कैरी करके जाएंगे। इस मैसेज का जब डी कोड होगा, ट्रांसलेशन होगा, तो उसको यह पता चलेगा कि उसको किस तरह के प्रोटीन को बनाना है। तो दिस इज जस्ट अ कोड फॉर्मेशन। उसके बाद इसका रिपेयर है, तो अगर डीएनए डैमेज होते हैं हमारी बॉडी में तो उनका साइमल्टेनियसली रिपेयर चलता रहता है, तो इसको भी अफेक्ट करेंगे। और इन सब के कारणों से, इन सब के प्रॉपर ना होने की वजह से अल्टीमेटली जो बैक्टीरिया है जो आपके बॉडी में ग्रोथ कर रहा है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इस तरीके से जो हमारे क्विनोलोन्स है, ये बैक्टीरियोसिडल का काम करता है बैक्टीरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बाद। अब ये जो दो मैकेनिज्म मैंने आपको समझाए हैं यहां पर जस्ट नाम देकर के, चलिए अब हम उनको अगले सेक्शन में देखें कि असल में ये करते क्या होंगे। आपने समझा था, मैंने ये आपके लीड का, हेडफोन का एग्जांपल क्यों दिया था, थोड़ा सा रिवाइज करता हूं और आपको एक होमवर्क दिया था उसके बारे में भी बात करेंगे। जब तक ये कोई उलझी हुई चीजें सुलझेंगे नहीं, आपको मन की शांति नहीं मिलेगी, यानी कि यूं कहूं कि बेचैनी रहेगी। हमको अगर ठीक से काम करना है, एकदम कंसंट्रेट होकर गाना सुनना है, तो पहले तो ये जो उलझे हुए चीजें हैं इनको सुलझाना पड़ेगा, तभी हमारे काम आसानी से हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट तो आज के आपके क्विनोलोन्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स, इन दोनों के काम करने के तरीके हैं, और ये दोनों का मैकेनिज्म एक ही होगा। यहां पे हम देखेंगे कि कैसे जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होती है इसको हमको अनकॉइलिंग करनी है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग बदलना है, यही हमारा काम है। इस उलझे हुए को, डीएनए के उलझे हुए को सुलझाने का काम करता है बैक्टीरिया के रिस्पॉन्डिंग, वह है डीएनए जायरेज। ये डीएनए जायरेज बैक्टीरिया की मदद करता है ताकि वह अच्छे से रेप्लिकेट कर सके। हम यहां पर पढ़ रहे हैं एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल ड्रग, और यहां पर हम बैक्टीरिया की मदद नहीं करने वाले, हम यहां पर अपनी मदद करेंगे। और अपनी मदद करने का सिंपल सा तरीका यह है कि बैक्टीरिया को जितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। नुकसान कैसे पहुंचाएंगे, हम उन सब चीजों को अफेक्ट करेंगे, हम उन चीजों को टारगेट करेंगे जो बैक्टीरिया को मदद करते हैं, बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन, बैक्टीरिया के ट्रांसक्रिप्शन, बैक्टीरिया के डीएनए के रिपेयर और बैक्टीरिया के जो रिकॉम्बिनेशन है, इन सब में जो मदद करता है हम उनको टारगेट करेंगे और उनको खत्म करेंगे। उनमें से एक था यही डीएनए जायरेज, जो कि सुपर कॉइलिंग को मदद करता है निगेटिव सुपर कॉइलिंग में बदलने के लिए। तो इसको सॉल्व करने वाले को ही अगर हम रोक दे तो बैक्टीरिया वहीं पर सर्वाइव करना बंद कर देगा। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं क्विनोलोन्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बड़े सिंपल तरीके से विद लाइव एग्जांपल। ये वीडियो लंबा है जैसे मैंने कहा आपको, तो पेशेंस रखिएगा, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, भले ही मैंने लिखा हुआ है क्विनोलोन्स के लिए, बट दोबारा कह रहा हूं क्विनोलोन्स फ्लोरोक्विनोलोन्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इसका मैकेनिज्म दो तरीके से हम समझेंगे। आप अपने राइट साइड में देख रहे हैं डायग्राम बना हुआ है, और उसी के लेफ्ट साइड में उसके पॉइंट्स को मैंने वर्ड्स में रिप्रेजेंट किया है। ये डायग्राम आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेंगे, इसे हमने ऑनलाइन सर्च किया हुआ है, तो उसके थ्रू हमने बनाया हुआ है। आप समझिए इसको, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अगर मैं बात करूं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, क्विनोलोन्स या फ्लोरोक्विनोलोन्स को एक शब्द में कहा जा सकता है कि ये बैक्टीरिया के डीएनए के रेप्लिकेशन को अफेक्ट करता है, ये बैक्टीरिया के डीएनए जायरेस के प्रोसेस को अफेक्ट करता है। और उसी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो एक्टिविटी देगा वो बैक्टीरियोसिडल देगा, यानी कि बैक्टीरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा, क्योंकि बैक्टीरिया आगे जाके मल्टीप्लाई नहीं करेगी। हम ये तो जानते हैं कि बैक्टीरिया बाइनरी मल्टीप्लीकेशन करता है, यानी कि एक से दो और फिर उसी के सिक्वेंस में आगे बढ़ता जाता है। एक सेल दो मदर सेल में कन्वर्ट होता है, एक मदर सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है। ये अगर बैक्टीरिया का सेल है तो आफ्टर सम टाइम इस तरीके से ये होते रहते हैं। इस डिवीजन के कारण से बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती रहती है। तो हमको नहीं चाहिए कि बैक्टीरिया की ग्रोथ हो, इसलिए हमको मेन फोकस किस पे करनी चाहिए, उन प्रोसेस पे जो कि बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है, उन्हीं को हम टारगेट करेंगे। चलिए हम बात करते हैं पहले थ्योरी की, फिर मैं उसको उसके साथ में डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला पॉइंट जो मैकेनिज्म है इनका, क्विनोलोन्स का, फ्लोरोक्विनोलोन्स का, दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है।
पहला होता है बाय इनहिबिटिंग द डीएनए गायरेज, यानी कि मैं अगर डीएनए गायरेज को इनहिबिट कर दूं तो अब समझना पड़ेगा डीएनए जायरेज क्या है, तब तो समझेंगे उसके फंक्शन को अगर इनहिबिट करें तो क्या हो। डीएनए जायरेज एक ऐसा एंजाइम है जो बैक्टीरिया के आफ्टर दिस डीएनए हेलिकल्स के कारण से जो आपका रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है उसके बाद जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग बनेगी इसी सुपर कॉइलिंग को इनहिबिट करने का काम करता है ताकि अच्छे से रेप्लिकेशन हो सके, ताकि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन हो सके और फिर वो डीएनए रेप्लिकेट होकर के डॉटर सेल में कन्वर्ट हो सके। इसी को अगर मैं इनहिबिट कर दूं तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग मेंटेन रहेगी, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में कन्वर्ट नहीं होगा और इसकी वजह से रेप्लिकेशन अच्छे से नहीं होगा और बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा। ये तरीका हो गया। दूसरा आप देख सकते हैं इनहिबिट टोपो आइसोमरेज 4। जो टोपो आइसोमरेज हो या गायरेज हो, आखिरी में आप एज एज वर्ड देख रहे हैं, इसका मतलब तो ये एंजाइम है, ये बैक्टीरियल डीएनए एंजाइम है। सो टोपो आइसोमरेज 4 ये क्या है? टोपो आइसोमरेज 4 एक ऐसा एंजाइम है बैक्टीरियल डीएनए के सिंथेसिस रेप्लिकेशन में, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो दो डबल डॉटर सेल बनेंगे इनको स्प्लिट करने का काम करता है। ये स्प्लिट होंगे तो फाइनली जो एक था वो आगे जाकर देखेंगे आप दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होगा बाइनरी डिविजन के थ्रू। तो ये है आपके टोपो आइसोमरेज 4 का काम। तो इसकी वजह से, इस टोपो आइसोमरेज की वजह से ही बैक्टीरिया एक से दो में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर मैं नहीं चाहता कि बैक्टीरिया ग्रोथ हो, आप क्यों चाहेंगे भला बैक्टीरिया का ग्रोथ हो सके, तो इसको हमको इनहिबिट करना है। तो इनहिबिट करने का पहला तरीका तो आपने देखा जायरेज को अफेक्ट करो, दूसरा कि जो इनको कन्वर्ट कर रहा है 1:2 में उसको तो आप अफेक्ट कर देंगे तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा। तो ये है आपका दूसरा तरीका क्विनोलोन्स और फ्लोरोक्विनोन्स के काम करने का। अब अगर मैं इनके बारे में एक बात कहूं तो ये बहुत जरूरी है ये कहना कि these two, मतलब ये जो two enzyme है, bacterial DNA enzyme है replication के लिए, these are required for DNA replication and transcription। ये दोनों प्रोसेस, पहला प्रोसेस दूसरा प्रोसेस, यानी कि डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज 4, ये दोनों बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरी। ट्रांसक्रिप्शन मतलब इट इज अ प्रोसेस टू सिंथेसाइज द प्रोटीन, कन्वर्ट करना कोड को, वो कहलाता है आपका ट्रांसक्रिप्शन, एक स्पेसिफिक कोड के फॉर्म में, कोडोन के फॉर्म में। इन दोनों को अफेक्ट कर देंगे तो आपका रेप्लिकेशन भी और आपका ट्रांसक्रिप्शन भी दोनों रुक जाएगा, यही तो हमको चाहिए। अब ये देखना है हमको कि ये दोनों प्रोसेस कैसे होते हैं, कितने और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहले मैं समझाऊंगा आपको थ्योरी, फिर मूव करेंगे आपके डायग्राम में, डायग्राम के साथ लाइव डेमो भी रहेगा। पहला है स्टेप्स में जो आपका ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होगा उस समय क्या होता है, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन देयर इज एक्सेसिव पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए, यानी कि जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होगा अपने नए टाइप के स्ट्रैंड्स को बना रहे होंगे, तब के केस में एक डीएनए का पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग दिखता है। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग क्या है थोड़ी देर में समझ जाएंगे। जब कभी भी आप किसी रस्सी को, जो बुना हुआ रस्सी है, इसको खींच के अलग अलग करते हैं तो आप पाते हैं कि नीचे में एकदम एठम सी सिकुड़न से बनने लगती है, ये एकदम क्लम्सीनेस पास 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 होते हैं, यही कहलाते हैं डीएनए के पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। अब दूसरा स्टेप, दिस इज क्रिएटेड बाय डीएनए गायरेज, करेक्टेड बाय डीएनए गायरेज। अब ये जो सुपर कॉइलिंग हो गई होगी पॉजिटिव, जो पास पास आ गए, गुच्छे बन गए होंगे, इनको ठीक करता, ये प्रॉब्लम है, ये सही नहीं है बैक्टीरिया के लिए। तो बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया का जो डीएनए गायरेज है इसको ठीक कर देता है। सो डीएनए गायरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्शन ऑफ पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, यानी कि अब क्या करेगा, बाय कंटिन्यूइंग इंट्रोड्यूसिंग, कैसे करता है, ये कंटिन्यूसली आपका नेगेटिव सुपर कॉइलिंग करता है, तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग आपके पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को बैलेंस करेगा। डायग्राम में देखेंगे तो यहां पर देख लीजिए, ये इसके कारण से बहुत पास पास हो गए, ये ऊपर देखिए अलग है, नीचे देखिए बहुत पास पास अलग है। तो डीएनए गायरेज हमारा यहां पे आगे जाकर के इनको अलग अलग करने का काम करता है, इसको बैलेंस बनाने का काम करता है, इसी को हमको अफेक्ट करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द रेप्लिकेशन, ये जो डीएनए गायरेज का स्टेप है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंड्यूस करना, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को इनहिबिट करना, ये डीएनए का प्रोसेस के लिए, बैक्टीरिया के लिए जरूरी है, हमको इसी को टारगेट करना है। तो देखिए ये पहला तरीका हो गया, इसी को टारगेट करेंगे, मतलब ये वाले तीसरे स्टेप तक आपका जो पहला मैकेनिज्म है वो काम करेगा। दूसरा जो आपने देखा टोपो आइसोमरेज 4 है, ये क्या करता है, देखिए टोपो आइसोमरेज 4 इज सेपरेट डॉटर सेल आफ्टर रेप्लिकेशन, यानी कि जो टोपो आइसोमरेज 4 है वो डॉटर सेल को सेपरेट करता है रेप्लिकेशन के पूरा होने पर। यह पूरा प्रोसेस है रेप्लिकेशन का, रेप्लिकेशन यहां से पूरा हुआ तो ये आपके दो आपके डॉटर सेल बने एक साथ हैं, कोलैबोरेटिव तरीके से।
आपका टोपोआइसोमरेज 4 इसको सेपरेट करता है और दो अलग अलग इस तरीके के डॉटर सेल बनाते हैं। इसके कारण से बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन होगा। हमको इसी को अफेक्ट करना है अगले स्टेप में। सो देखिए, ड्रग इनहिबिट दिस प्रोसेस, ड्रग जो है यानी कि क्विनोलोन्स, फ्लोरोक्लोरोलोन्स हैं, इन्हीं दोनों स्टेप को अफेक्ट करते हैं और स्टॉप करते हैं किसको, सेपरेशन को, आपके इस बैक्टीरिया के सेपरेशन को। अगर ये सेपरेशन के बारे में बात करते हैं तो स्पेसिफिकली एप्लीकेबल है टोपोआइसोमरेज 4 के लिए। अगर आप ओवरऑल रेप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं तो आपके डीएनए जायरेस और टोपोआइसोमरेज 4 दोनों के लिए यूज है। कई बुक में आप ये पाएंगे कि डीएनए जायरेस को टोपोआइसोमरेज 2 भी कहा गया है। सो इट इज कॉमन फॉर बोथ, आइदर डीएनए जायरेस बोलिए या टोपोआइसोमरेज 2 बोलिए, टोपोआइसोमरेज 4 एक अलग चीज है। फिर देखिए, जो डीएनए गायरेस के इनहिबिट हो जाने की वजह से हमारा जो क्विनोलोन्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं वो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए यूजफुल होते हैं, और इस टोपोआइसोमरेज 4 को कम कर देने की वजह से जो हमारे आपके क्विनोलोन्स फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये भी एक्टिविटी आपको याद रखनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके एमसीक्यूज वगैरह के लिए। अब आपने थ्योरी समझा, चलिए इस थ्योरी को हम प्रैक्टिकल के रूप में एक डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। ये है एक बैक्टीरिया, डीएनए सभी में पाया जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरे आगे जाकर के कैरी फॉरवर्ड करने में, अपने जनरेशन को फॉरवर्ड करने में, जेनेटिक मॉडल को कैरी फॉरवर्ड करना तो आवश्यक है। जेनेटिक मटेरियल होगा यहां पर डीएनए। तो यह है बैक्टीरिया और ये जो आप देख रहे हैं यह है बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए। अगर इस सर्कुलर डीएनए को हम ध्यान से देखें तो ये एक डबल हेलिक्स में होगा, तो दिस इज अ डीएनए डबल हेलिक्स, जिस तरह से आपने वाटसन क्रिक का मॉडल देखा होगा, डबल हेलिक्स यहां पे है। इस डबल हेलिक्स में आगे जाकर के इनको रेप्लिकेट करना है, रेप्लिकेट करने के लिए जरूरी होता है डीएनए हेलिक्स हेलिकेज। ये जो डीएनए हेलिकेज यहां फिर एंजाइम में वो इन दोनों को अलग अलग करता है। ये कैसे, चलिए समझते हैं। मैंने आपसे कहा था कबाड़ से हम जुगाड़ करेंगे, तो ये इस तरीके से समझा जा सकता है। ये एक सिंपल सा चैन है, ये चैन के बीच में जो आप पा रहे हैं ये स्टील का, ये रनर कहलाता है। यही तो है आपके घर में भी चीजें। अब देखिए इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है, ये दो दोनों चैन के साइड हैं, आर्म है, ये डीएनए के डबल हेलिक्स है, ये आपका डीएनए हेलिकेज है, ये डीएनए हेलिकेज इसकी वाइंडिंग को, डबल कॉइलिंग को सिंगल सिंगल में कन्वर्ट करता है। तो ये डबल है, ये जैसे ही आपका हेलिकेज आगे बढ़ते जाएगा आप देख रहे हैं कि ये इनको सिंगल सिंगल में कन्वर्ट करते जा रहा है, बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये आपका डीएनए हेलिकेज ने इनको अलग अलग किया और इनको सेपरेट किया। ये जो आप एरो देख रहे हैं ये आपको दिखा रहा है कि ये इन दोनों को सेपरेट कर रहे हैं और दोनों को दोबारा वापस जुड़ने नहीं देंगे। सो अब इसको कैसे जोड़ेंगे आप, जब तक रनर ऊपर नहीं जाएगा ये तो पॉसिबल है, इस केस में वहां तो पॉसिबल नहीं है, पर बिना रनर के क्या ये दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ेंगे? देखिए नहीं जुड़ रहे हैं, ये नीचे वाला अभी भी जुड़ा हुआ है और ये अलग अलग हो गए। तो ये आपके डीएनए हेलिकेज का काम है, इसके साथ ये अलग अलग होते हैं। जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो क्या होता है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। और यहां पे इसी को, ये जो सिंगल स्ट्रैंड आप यहां पे अलग होता हुआ देख रहे हैं, इसमें मैं यहां पे यहां अलग से बनाया हूं ऐसा चीज, इसके स्ट्रैंड के साथ उस तरफ भी हो रहा होगा, रिप्रेजेंटेशन के लिए केवल एक बनाया। तो ये जो ब्लू कलर में है वो तो आपका ओरिजिनल है, जो इस डीएनए का पार्ट है, और ये जो आप रेड कलर में देख रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, जो उसको रीड करके उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बना रहा है। कौन बना रहा है ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाने का, ये जो आप ग्रीन कलर में स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो, ये क्या है, ये है डीएनए पॉलीमरेज, जो कि आपकी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को बनाने का काम कर रहा है। तो यहां पे सिंगल सिंगल हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के वजह से डबल डबल हो जाएंगे। ये आपका यही काम है डीएनए हेलिकेज का। तो ये चैन जो है वो डीएनए हेलिकेज हो गया। अब आगे देखिए, अब यहां पे उसके बाद क्या स्टेप होगा, उसके बाद इसके कारण से ये अलग अलग होंगे तो ये सुपर कॉइलिंग बनने लगेगी। ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक, इस पे लिखा हुआ है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, यानी कि गुच्छे हो जाएंगे, एकदम पास पास हो जाएंगे। इसको कैसे समझें, इसका क्या मतलब है, दो एग्जाम्पल ले रहा हूं। सबसे पहले आप इसको देखिएगा, ये एक नॉर्मल वायर है जो डबल स्टैंड में गुचे हुए हैं, ये दोनों को अगर मैं अलग करना चाहूं तो आप खुद ही पे करके देखिए। ये आप यहां पे फोकस करें, ये वाले पॉइंट पे, ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस वाले पॉइंट पे ये बहुत ज्यादा सुपर कॉइलिंग हो गए, बहुत पास पास आ गए हैं, जो पहले डिस्टेंस ज्यादा था वो बहुत पास पास आते गए हैं। अगर ऐसा रहा तो इसका रेप्लिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, इसको अलग अलग करना होगा हम लोग को। और इस अलग अलग जो करने का काम करता है, यही काम करता है आपका डीएनए जायरेस। यहां पे देखिएगा ये एकदम पास पास हो गए हैं, तो डीएनए
जायरेस अब यहाँ पे यूज होगा और इसके इस पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को रिमूव करके नेगेटिव सुपर कॉइलिंग करेगा, यानी कि ये जो अब सुपर कॉइलिंग की वजह से पास पास हो गए हैं, ये डीएनए गायरेज है। अगर ये डीएनए गायरेज मान के चलूं तो ये डीएनए गायरेज इनको इस तरीके से धीरे धीरे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग की ओर बढ़ाते जाएगा, तो इन दोनों के बीच का जो एटम था वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। ऐसा ही हम समझ सकते हैं और कई अलग एग्जाम्पल से भी, ये मान के चलिए इसको भी अगर आप अलग अलग करेंगे तो आप पा रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एकदम सुपर कॉइलिंग हो गई है, एकदम ज्यादा पास पास आ गए हैं, तो इनको अलग करने का जो काम करता है ये देखिए वापस से ये आप आ रहे हैं, तो इनको अलग करने का जो काम करता है वही हमारा डीएनए जायरेज होता है। यही सिंपल सा तरीका है आपके लिए समझने का। ये डीएनए जायरेज इनको अलग अलग करेगा तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस पूरा होगा। अब क्या होगा, अब जब डीएनए जायरेज को यूज करने की वजह से रिमूव कर देंगे तब क्या होगा, यहां से देखिए अब यहां पे दो डॉटर सेल बन जाएंगे रेप्लिकेशन के पूरा होने पे, क्योंकि आप सब कुछ तो फैसिलिटेट कर रहे हैं। इस पूरे काम में, इस पूरे रेप्लिकेशन के काम में बैक्टीरिया की मदद कौन कर रहा है, इस पे फोकस करें। बैक्टीरिया की सपोर्ट कौन कर रहा है, सपोर्ट करने वाला पहला है आपका डीएनए गायरेज, उसके बाद जब रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन में जो डॉटर सेल बनेंगे, इन डॉटर सेल को आइडेंटिकल डॉटर सेल जो बनेंगे मॉलिक्यूल, इनको सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है, ये टोपोआइसोमेरेज, तो ये दूसरा, ये वन और ये टू, ये दोनों बैक्टीरिया की मदद कर रहे हैं। ये डीएनए जायरेस और टोपोआइसोमेरेज फोर बैक्टीरिया की मदद कर रहे हैं। हमको नहीं कराना बैक्टीरिया की मदद, हमको उसको इनहिबिट करना है। तो हम किसको इनहिबिट करेंगे, जो बैक्टीरिया की मदद कर रहा है उसको हम इनहिबिट करेंगे, ताकि बैक्टीरिया के लिए डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो हो ही ना। अब देखिए पहले तो ये टोपोआइसोमेरेज फोर था, इसकी वजह से ये जो डॉटर सेल एक साथ थे वो एक और दो, दो अलग अलग सेपरेट आइडेंटिकल इंडिविजुअल डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते जाएगा, बाइनरी डिफ्यूजन होता है, डिवीजन होता है, तो एक से दो, अब यहां पे एक था दो बन गए, इसका फिर दो बनेगा, इसका दो बनेगा, तो दो से कितना हो गया, चार, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, तो ये तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। अब बात करते हैं क्विनोलोन्स और फ्लोरोक्विनोन्स की, तो दो तरीके से काम करते हैं। यहां पे आपने देखा जगह देख लीजिए, ये हो गया आपका ड्रग, चाहे ये क्विनोलोन्स हो चाहे फ्लोरोक्विनोन्स हो, ये पहला तो इस पे अफेक्ट करेंगे, नेगेटिव साइन लगाया हुआ है तो आपके डीएनए गायरेज को अफेक्ट करेंगे। दूसरा ये देखिए एरो लगा हुआ है, ये आपके टोपोआइसोमेरेज है, इसको इनहिबिट करेंगे तरीका नंबर दो। तो इन दो तरीकों को, इन दो जगहों को इनहिबिट करके हमारा क्विनोलोन्स फ्लोरोक्विनोन्स आपके बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म करता है, क्योंकि ये बैक्टीरियो सिडल की एक्टिविटी रखता है। सो फ्रेंड, इसी के साथ आज का ये जो क्विनोलोन्स था ये यहां पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो टॉपिक है क्विनोलोन्स का वो समझ में आया होगा। मेरा सिंपल सा रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ जानना और सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दिस इज नॉट एन इंटरटेनिंग चैनल, यहां पे हम आपको कोई गेम, कोई कार्टून, कोई कॉमिक्स, कोई म्यूजिक नहीं सिखा रहे हैं कि आपके लिए इंटरेस्टिंग हो। पढ़ाई कभी भी कुछ लोगों को छोड़ करके मैक्सिमम लोगों के लिए इंटरेस्टिंग न थी और न है, और आई डोंट थिंक कि कभी होगी कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो। सो अगर आप समझेंगे तब इंटरेस्ट आएगा, अगर नहीं इंटरेस्ट लेंगे तो समझ में आना इम्पॉसिबल है। सो इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ कीमोथेरेपी और अदर एनी टॉपिक, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। मैंने तभी आपसे कहा कि अगर आपके पास समय है तभी इस कीमोथेरेपी के टॉपिक्स को देखिए, अगर आप बीच में छोड़कर जाएंगे तो आप अपना नुकसान बहुत ज्यादा करेंगे, इसलिए अच्छा है कि आप शुरू से ही ना देखें या तो पूरा देखें। दूसरी चीज, हमने आपको कई बार इस तरह के छोटे छोटे चीजों को डेमो दिखाया है, ये सब डेमो इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूं कि इस तरह के जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी बात है। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, रेफरेंस के बारे में बात करें तो सेक्शन वन और आज का अभी का सेक्शन तो हमने कई बुक से मिला करके लिया। मैंने आपको बताया केडी त्रिपाठी, पी जगदीश प्रसाद, पद्मदा उदय कुमार, सतोस्कर, लेंज, लिपिनकॉट, मैक्सिमम से मैक्सिमम बुक जो हमारे पास पॉसिबल है, और दो बुक्स हैं स्पर्श गुप्ता की, इनको हमने फॉलो किया है। बट आपके पास नहीं है तो आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, नमस्कार।